आपके पहले फिल्म की जरा बात करने, फिर आपकी परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है निम्रा। छूले आसमान के बारे में प्लीज बताइएगा, फिल्म के बारे में। छूले आसमान का नाम ही आप सुन रही हैं और ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। बहुत सारे तजुर्बात होते हैं, तजुर्बा जो है वो कुछ ना कुछ तो इंसान को सिखाता है, वो ऊपर भी ले जाता है नीचे भी ले आता है। तो हमने इस फिल्म को जो कदम उठाया है वो इससे मुबर्रा होकर उठाया है कि हमें लगता है कि जिस किश्ती में हम जा रहे हैं इंशाल्लाह वो पार चली जाएगी। तो इस फिल्म का मकसद बुनियादी तौर पर ये है कि हमारी जो यूथ है उसको एंगेज किया जाए और उनको ये बावर करवाया जाए कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसका मकसद यह है बेसिकली। बाकी सारी कहानी जो है वो इंशाल्लाह सिनेमा में आपको नजर आएगी और मजा आएगा उसमें। उसमें मेरे साथ जारा हैं, जारा सलमान जो हीरोइन है फिल्म में, और मेरे साथ हैं अंजुम हबीबी साहब, वो मेरे फादर बने हुए हैं उसमें, राहिला आगा आपा जो है वो मेरी मदर बनी हुई है, और काफी हसन है, दूसरे लोग हैं। डायरेक्टर साहब जो है वो बड़े मैच्योर हैं और वाकई जानने वाले हैं, बारीक लोगों का ये काम है। तो उन्होंने इस फिल्म पर 7 साल मेहनत की है, स्क्रिप्ट राइटिंग पे ए टू जी उन्होंने काम किया है, म्यूजिक पे, हर चीज पे काम करने के बाद फिर उन्होंने कहा अब इसको शूट करना है। तो हमारे यहाँ यूजली होता है पेपर वर्क नहीं होता है, डायरेक्ट फिल्म शूट हो जाती है। उन्होंने काफी मेहनत करने के बाद फिर इसको जो है वो शूट किया है। तो अब हम कोशिश में है कि हमारी ऑडियंस जो है वो जरूर देखे और छूले आसमान से छूले आसमान हो जाए। जरूर हमें अपने सिनेमा को, नए आने वालों को, यंगस्टर्स को तो प्रमोट करना है, इनकरेज करना है, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा एक चीज खालिद साहब, मैंने उस्मान की आपने काम भी किया हुआ, मुझे ना ट्रेनिंग इनकी बड़ी अच्छी, तलफ्फुज के हिसाब से तलफ्फुज इनका बड़ा अच्छा है, जिससे हम आम जबान में तजुर्बा नहीं बोलते, तजुर्बा इज द राइट तजर्बा कहते हैं हम उसका, तलफ्फुज जो है इनका तलफ्फुज, ये वो ट्रेनिंग नजर आती है। हमारे आजकल के बच्चे बच्चियां जो टीवी पे आते हैं खासतौर पर, प्लेज में भी काम कर रहे होते हैं, वो ज्यादा फोकस नहीं करते। इवन न्यूज की भी अगर हम बात करें तो वो ग्रहण ग्रहण लगे हुए सूरज को, गिरहन है, गिरहा से ये लफ्ज आया है, यानी सूरज ग्रहण, यानी ये बनता है। ये तलफ्फुज का जो है मामला, आपके दौर के अंदर तो इस पे खास तवज्जो दी जाती थी, जिसकी वजह से आज भी हम आपको देखते हैं, सीनियर्स को देखते हैं तो पता चलता है सीखते हैं। आजकल के बच्चे क्यों नहीं सीरियस लेते इसको।